सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के साथ 20 सूत्री मांगों को लेकर मगध परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में प्रबंधन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें मजदूरों ने कांटा घर में काम करने वाले सभी कामगारों को प्रमोशन कैटेगरी 1 से क्लर्क में करने की मांग की। साथ ही कामगारों को टंडवा से ड्यूटी आने जाने के लिए बस देने की भी बातें कही। कामगारों को प्रमोशन दिया जाए, सभी को क्वार्टर दिया जाए, सभी कामगारों को जूता, टोपी, तौलिया, बरसाती टॉर्च व छाता दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनाया जाए, खदान में लाइट की समुचित प्रबंध किए जाए, 13 महीना का वेतन दिया जाए, नया एम्बुलेंस दिया जाए, विस्थापितों को नौकरी मुआवजा दिया जाए और कंपनी में नौकरी दिया जाए, गांव में रोड, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि दी जाए, महिला डॉक्टर और नर्स की पोस्टिंग की जाए, कांटा घर में साफ सफाई और पीने की पानी की व्यवस्था की जाए, कांटा घर में एसी ठीक किया जाए, ऑफिस में महिला लैट्रिन बाथरूम बनाया जाए इत्यादि मांगे यूनियन ने मगध परियोजना के प्रबंधन से की। साथ ही कहा कि संदीप सुमन इंजीनियर को मगध परियोजना से हटाया जाए, मगध परियोजना को प्रदूषण मुक्त किया जाए और ट्रांसपोर्ट रोड पर पानी का छिड़काव किया जाए। प्रबंधन की ओर से परियोजना पदाधिकारी श्री अशोक कुमार मैनेजर शहीद अख्तर खान, डिस्पैच ऑफिसर चंदन चटराज, यूनियन की ओर से राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के सीसीएल सचिव सह जेजेसी सदस्य सीसीएल ललन प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय सचिव मोहम्मद जुहूर, मगध संघ मित्रा क्षेत्र क्षेत्रीय अध्यक्ष मनिंद्र कुमार सिंह, राजेश्वर नौनिया, संगठन सचिव साजिद अख्तर, मगध परियोजना सचिव इंद्रजीत पांडे, मगध परियोजना अध्यक्ष खुर्शीद आलम, मगध संयुक्त सचिव चंदन कुमार, राम बसंत कुमार साहू, राजेश कुमार, अकील अंसारी समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। खिलाड़ी से विजय प्रसाद की रिपोर्ट। इस मगध परियोजना में आरकेएमयू के सभी पदाधिकारियों और खासकर जेसीसी मेंबर्स हमारे श्री आदरणीय लखन बाबू, ललन बाबू के साथ मुझे मीटिंग हुई, बहुत सकारात्मक मीटिंग हुई। और सच पूछे तो ये मीटिंग पहली बार यहाँ पर मगध परियोजना में हुई और मगध परियोजना के की समस्याओं से भी इन्हें अवगत कराया गया, पूरे जितने पदाधिकारी थे उनको, और आप लोगों की समस्या से भी हम लोग अवगत हुए कि क्या समस्याएं हैं, ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के मजदूरों की क्या समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं से हम भी अवगत हुए, रूबरू होने का हम लोग को मौका मिला और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपस में सहयोग करके हम लोग मगध परियोजना को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे और हम एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। मगध परियोजना से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, एशिया की सबसे बड़ी पुल परियोजना होने जा रही है आने वाले समय में, तो हम भी चाहेंगे कि हम अपने ट्रेड यूनियन के साथ कदम कदम ताल मिला करके चलें, उनसे सहयोग लें और उनका सहयोग करें। आज हम लोग एशिया के सबसे बड़े माइंस के धरती पर खड़े हैं और आज मगध जैसे बड़े परियोजना के प्रबंधक के साथ आज बहुत अच्छी बैठक हमारी हुई। हम राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन से हमारी टीम मगध पर प्रबंधक के साथ बैठक करके यहाँ के तमाम मजदूरों और विस्थापित ग्रामीणों और बाकी लोगों की सुविधा और असुविधा को लेकर के प्रबंधक के साथ बातें रखी गई, जिसमें बहुत सारी बातें आई। कोरोना काल में जिस तरह से मगध के एम्प्लॉइज़ विस्थापित जिस तरह से काम किए और देश को ऊर्जा पहुंचाने में अपना योगदान दिए, वो काबिले तारीफ है। और यहाँ पे जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए अभी मिल नहीं पा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जैसे कि प्रबंधक ने बताया कि ज़मीन का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो ज़मीन क्लियरेंस हो नहीं पा रही है, जिससे माइंस में भी चलना मुश्किल, माइंस को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे टाउनशिप अभी हमारा बना नहीं है जिसके लिए ज़मीन के लिए ज़मीन चाहिए, और प्रबंधक इसके और काम कर रही है अच्छे से, और हमारा भी आश्वासन रहा कि इसके लिए यूनियन से आपको जितनी भी मदद चाहिए प्रबंधक को, यूनियन उसके लिए आगे रहेगा और अपेक्षा भी करेगा प्रबंधक से कि जितने भी वेलफेयर का काम है हमारे कर्मचारी साथियों का, विस्थापित ग्रामीणों का, वो सारा काम करें, जल्द से जल्द मुआवजा नौकरी ग्रामीणों को दे, विस्थापितों को विस्थापित करने का काम करें। और हमारे जितने भी मगध परियोजना के जितने भी कर्मचारी हैं उनको टाइम पे प्रमोशन मिले, टाइम पे उनका करियर ग्रोथ हो, बाकी सुविधाएं जितना जल्द से जल्द दिला सके। तो इस बैठक में सकारात्मक पहलू पे बातें हुई और सकारात्मक हम लोगों को
दिया गया प्रतिक्रिया प्रबंधक की तरफ से, इसके लिए मैं यहाँ प्रबंधक को धन्यवाद देता हूँ। कुछ मजदूर के समस्या लेकर और ग्रामीणों के समस्या लेकर, किसानों का समस्या लेकर मिले, बहुत सकारात्मक बात विचार हुआ। जमीन के बदले मुआवजा, नौकरी, और हमारे जो साथी जो काम करते हैं खुन पसीनागार कर पताल से कोयला निकालने का काम करते हैं, उसके उनके संदर्भ में वार्ता हुआ, बहुत सकारात्मक वार्ता हुआ। आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही धीरे धीरे करके हम सुधारने का काम करेंगे, सुधारेंगे, और जितना भी बन पाएगा, जो भी सहयोग नहीं, जो भी गिरवान से जाए मजदूरों के प्रति, वो देने का आश्वासन उन्होंने दिया। आप क्या बोलना चाहेंगे? आज जो मगध पीओ के साथ हम लोग वार्ता हुई, माननीय लन भैया जो JCSC के सदस्य हैं, ऑफिसियल सचिव हैं राष्ट्रीय कोयला मजदूर, इनके उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा, इन्होंने अपने मजदूरों की समस्या को लेकर मांग रखा। उसमें प्रमोशन हुआ, क्वार्टर हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, रोड हुआ, और मैंने तमाम जितना भी मजदूर से मूलभूत समस्या था उसको उठाए हमारे लन भैया, और प्रबंधन ने जो मगध का प्रबंधन है उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करेंगे, ताकि यहाँ के मजदूर ग्रामीण सब अच्छा से जीवन यापन करेंगे। तो खुशी हुई कि हमारे नेताजी यहाँ पे आए और हम लोगों की समस्या पर विशेष ध्यान देते हुए इन्होंने मैनेजमेंट से, हमारे PO साहब से, मैनेजर साहब से, हम लोगों की जो समस्याएं हैं जो हम लोगों ने इनके समक्ष रखा था, और ये अपने स्तर पर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने वार्ता की, इनसे इन बातों से हम लोगों को बहुत खुशी हुई, और हमें बेहद खुशी है कि इस तरह का हम लोग आगे भी अपनी समस्याओं को इनके माध्यम से हम लोग रखें।